हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, चेक वेदर 6^n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको क्या बोला है कि 6^n एक आपको नंबर गिवन है, ठीक है। अब इसने बोला है कि n की ऐसी मैं क्या वैल्यू डालूँ ताकि वो आंसर जो भी आएगा वो जीरो पे एंड हो, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, तो लिखेंगे हम टू एंड अ नंबर विथ जीरो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2×5^n, ठीक है। अगर कोई सा भी एक नंबर जिसको जीरो पे ख़त्म होना है, ठीक है, तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए 2×5^n, मतलब 2×5 तो आना ही चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तभी वो जाके वो जीरो पे कंप्लीट होगा, मतलब ख़त्म होगा। नहीं तो अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो वो कभी भी जीरो पे ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखा हमने कि टू एंड ए नंबर विद जीरो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2×5^n, बट 6 इज इन फॉर्म ऑफ 2×3, सो इट कांट एंड विथ जीरो, ठीक है। अब 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2×3, तो इसीलिए ये जीरो, मतलब ये जीरो में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2×5 के फॉर्म में होंगे तभी वो जीरो पे ख़त्म हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज़ एक्सप्लेन वाई 7×11×13+13 एंड 7×6×5×4×3×2×1+5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके फैक्टर दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, अब पहला नंबर देखते हैं, दैट इज 7×11×13+13, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब ये 7×11×13 है और ये +13 है, तो 13 को मैं 13×1 लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13×1 भी 13 ही होगा, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने 13×1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 बाहर निकाल लिया मैंने। इधर क्या बचा, 7×11, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि 13×1 था तो 13 ले लिया, 1 बचा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13×, ये हो गया 7×11, 77, और ये है +1, दैट इज 78, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया, 13×78, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है आपको, इसके दो फैक्टर हैं, तो दो या दो से ज़्यादा फैक्टर वाले को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ टू और मोर फैक्टर्स therefore it is composite number, ठीक है। इसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7×6×5×4×3×2×1, और ये हो गया +5। अब +5 को मैं 5×1 लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5×1 भी 5 ही हो रहा है, ठीक है। तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 7×6×4×3×2×1, और इधर भी क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये 5 एज इट इज़, 7×6 = 42 इधर क्या है, 4×3 = 12 12×2 = 24, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो 42×24 करेंगे हम, तो 42×24 ये क्या हो गया, तो 4×2 = 8, और ये हो गया 16,
ये हो गया 84, तो ये आ गया 801 और ये 10, तो दैट इज 5 इंटू ये कितना आया 1008 और इधर है प्लस 1, दैट इज 5 इंटू 1009। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि इट हैज़ टू फैक्टर्स, देयरफोर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके अंदर भी दो फैक्टर हैं तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया, इसमें भी दो फैक्टर थे इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डराइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, इसने क्या बोला, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ और उसमें सोनिया ले रही है 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स उस राउंड को कंप्लीट करने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि सपोज मान लेते हैं कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने बोला कि कितनी देर बाद वो सब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से, वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल्स टू 18 मिनट्स। ठीक है, सोनिया ने कितना टाइम लिया एक राउंड कंप्लीट करने में, 18 मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लगा, रवि टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। ठीक है, रवि को वही राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगे। अब इसने पूछा है कि कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे, तो अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक टू मीट, कितनी देर बाद मिलेंगे, इक्वल्स टू एस सी एफ ऑफ 18 एंड 12, दोनों के नंबर का एस सी एफ निकाल लेंगे, सॉरी दोनों के नंबर का एल सी एम निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, एल सी एम निकालेंगे दोनों का, तो 18 का एल सी एम 18 और 12 का, तो 2 से जाएगा ये 9 और ये आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे ये आ गया 9, ये आ गया 3, अब 3 से जाएगा 3 ज़ा ये 3 1, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा ये 3 1 ज़ा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया देख लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो 36 मिनट्स के बाद वो दोनों वापस से एक साथ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 36 है, 18, अब देखिए कैसे आया ये 36 कि 18 मिनट्स लग रहे हैं उसको, तो 36 मिनट बाद वो एग्जैक्टली दो राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी, और इसको लग रहे हैं 12 मिनट्स, तो एग्जैक्टली वो तीन राउंड कंप्लीट कर चुका होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट्स में। ठीक है, तो जब उसके दो होंगे और उसके तीन हो जाएंगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में वापस से मिलेंगे 36 मिनट्स बाद। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।